आपका हर दिन जिंदगी का ईद का दिन होना चाहिए और हर दिन आपका क्रिएटिव डे होना चाहिए। आपको एक साल एक बार जो भी ये कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और ये क्या बकवास नॉनसेंस है, ये रबिश। आपकी जिंदगी सालों पर मुहित नहीं है, आपकी जिंदगी का आपकी जिंदगी किसी चीज पे भी मुहित नहीं है। यू कैन बी डेड नेक्स्ट मिनट। तो अगर तुमने एक अच्छा काम करना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैं 2023 से मैं अपनी इनकम का 20% जो है वो गरीबों को दूंगा, तो भाई 2022 में क्या प्रॉब्लम थी? नेकी करना उसी वक्त करो, ऑन द स्पॉट। मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताऊँ, मेरी याददाश्त हो गई भी ख़राब, मुझे याद वाद कुछ नहीं रहता, मुझे पेशेंट्स की रिपोर्टें याद रह जाती हैं, पेशेंट्स का वो मैं भूल जाता हूँ नाम, ठीक है। अब और ये मेरा दिमाग कुछ इस तरीके से सेट हो गया। अब अगर एक पेशेंट को आज मेरे पास आया और उसको अगर आज किसी ऐसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं 2023 का रेजोल्यूशन है कि मैं आपकी मदद करूँगा। नहीं होता इस तरह ज़िंदगी। आप यू नो हु इज़ लकी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो इज्जत है, जो भी आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करते हैं वो आपको आगे लेके जा रहा होता है। आपकी ज़िंदगी इंतहाई यानी गैर यकीनी है। आप सुबह सो के उठते हैं, पता चला एक बंदा जो बिल्कुल हेल्दी था वो ही इज़ डाइड, ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। तो आप नेकी करने के लिए आपको रेजोल्यूशन पहली जनवरी को नहीं करना है, आपको अभी करना है, आज की तारीख में इसी वक्त जो नेकी करनी है, जो अपने लिए डिसाइड करना है। तो अगर इसका अगर आप जनवरी में कुछ भूल गए तो वो जून में नहीं कर सकते आप। मेरा तो बड़ा प्रिंसिपल इख्तलाफ है, क्योंकि जितने भी रेजोल्यूशन बनाते हैं साल के शुरू में वो अगले दिन भूल चुके होते हैं। यार टेक लाइफ ईजी ना, मतलब लाइफ को तुमने पैसे में क्यों तोड़ना कि सुबह उठो 9 बजे। एक तो हमारी पूरी काम पागल है, उनको नौकरियां चाहिए, कोई ख़ुद से काम करने के लिए वो रेडी नहीं है। और कहते जी हमें 9 to 5 जॉब चाहिए। 9 to 5 को तो मैं आई हेट इट लाइक हेल। अल्लाह ताला ने कहा क्या कि 9 to 5 की जॉब होगी? भाई 24 घंटे काम करो, ज़िंदगी में तरक्की करने के कोई तरीके हैं, कोई असूल हैं। फिर आप कहते हैं कि जी वो फलाना बंदा जो है वो उसके ज़िंदगी में पैसे बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं। नहीं भाई, वो उसकी ज़िंदगी है। इफ़ ही इज़ वर्किंग, ही इज़ एंजॉइंग इट, लेट हिम डू इट। अगर मैं पेंटर हूँ और मैं अगर पेंटिंग शुरू कर देता हूँ और पेंटिंग मुझे इतने पैसे देती है कि मैं अपना गुजारा अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे दुनिया की किसी भी नुक्कड़ से आ जाओ, किसी भी नुक्कड़ से, बात पैसे पे आके ख़त्म होगी, इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिकली अगर तुम अपने आप को साउंड करोगे ना पहले, चाहे जो मर्ज़ी करो, अगर तुम इकोनॉमिकली साउंड, ये दुनिया में एकदम यूट्यूबर्स और ये फेसबुकर्स और ये कहाँ से आए, क्यों आए? पैसे बनाने के चक्कर में। आप वीडियो लाइक करें ना करें, मेरी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है? आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब। जब YouTube नहीं थी तब भी मैं खुश था, जब नहीं होगी तब भी मैं खुश हूँ, अगर है तब भी मैं खुश हूँ। फिलॉसफी डिफाइन होनी चाहिए कि तुमने पैसे बनाने क्यों हैं। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं आई केम फ्रॉम अ वेरी ऑपुलेंट फैमिली, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है, कराची में मेरा नाम लो तो सबको पता है। जब मैं डूबा हूँ तो मैं क्लास से डूबा हूँ और पूरे का पूरा जहाज ही गर्क हो गया। अब मुझे पैसा क्यों चाहिए था? इसलिए नहीं कि मैंने खाना खाना था, मुझे अपने बाप का डूबा हुआ नाम बचाना था कि यार मैं, हम ट्रैवल एजेंट्स हैं। मेरा हमारा ट्रैवल एजेंसी जो थी वो 1960s की बनी हुई थी, डूब गई। कोई इसी तो नहीं डूबी कि हमने पैसे हवा में उड़ाए, इराक ने कुवैत पे हमला किया, हमारा क्रेडिट ज़्यादा था, ट्रैवल एजेंसी डूब गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता दोबारा। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत फिर वहाँ से होती है जहाँ से वो डूबी है, क्योंकि ना टू कम विद स्ट्रैटेजी। मैं तुम्हें बताऊँ, खुदा की कसम, मैं मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर का खर्चा कितना है, ये नहीं पता कि वो कितना है, ये कितना, कुछ नहीं मालूम। क्यों? खुला था ना, जब गया है तो मुझे मालूम है कि वो, अब समझ में नहीं आ रही थी कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, क्या करना है, कैसे करना है। जितना बड़ा डिफॉल्ट होता है उतना ही, क्योंकि वह मरा हुआ आती होता ना, 1.25 लाख का होता है, तो एकदम तो मेरे पास गाड़ियाँ नहीं ना बिक गई, एकदम तो मेरे घर नहीं ना बिक गए, उनको करने में टाइम लगा। तब तक लोग समझते थे कि इसने बहुत बड़ा कोई पैसा खजाना छुपा के रखा है जो बता नहीं रहा। भाई मेरे पास घर में खाने के पैसे नहीं हैं,
हमें समझ में नहीं आ रहा होता, लिटरली वी वर नॉट यूज्ड टू इट। मेरे सारे जो करीबी दोस्त हैं सब गवाह हैं इस चीज़ के। तो खुश रहने के लिए यू डोंट नीड मनी, क्योंकि वो परेशानी का टाइम जिसमें मेरा सब कुछ उड़ गया, डूब गया, तो मैं फिर भी खुश था। मैं बोला ओके आई गेट अप एंड फाइट। सो यू हैव टू गेट अप एंड फाइट, तब अल्लाह आता है आपकी मदद करने के लिए। मैं पूरी कॉम के लिए कहते हैं, जिन कॉमों ने अपने काम नहीं करना है उनको आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प देम। ये आप कॉम का एक हिस्सा है ना, तो वो जो कॉम है वो बनी ना इंसान है, तो आप उठें फिर करें, फिर करें फिर। मैं तो तीन दफ़ा डूब के तीन दफ़ा फिर उठ गया। जो तुम चाहते तुम्हें ज़िंदगी में वो नहीं मिलता, तुम्हें ज़िंदगी में वो मिलता है जो तुम हो। यू डोंट गेट इन लाइफ व्हाट यू वांट, यू गेट इन लाइफ व्हाट यू आर। दैट्स टिप नंबर वन। टिप नंबर टू, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर हाई, जिनकी हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू एथिक्स की, हाई वैल्यू पैसे की, हाई वैल्यू सोच की। ये छोटी छोटी पिंग 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 में नहीं है। तो मुझे अपने पांच दोस्त दिखाओ या तीन दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर डिटो एग्जैक्ट बता दूंगा कि कहाँ पे होगा। क्यों? बिकॉज योर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर, अगर तुम जो जिंदगी में कर सकते हो या नहीं कर सकते तुम्हारे दोस्तों की जिम्मेदारी है। तो वो दोस्त जो इकट्ठे होके ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो फिर सारे कर जाते हैं। मैं अब मेरे दोस्तों की पूरी एक टीम है ना, हम लोग बचपन से कितने दोस्त इकट्ठे हैं, फिर डाओ के दोस्त इकट्ठे हैं, सारे के सारे मेंटली डॉक्टर्स हैं, मेंटली। हेंस ऑल ऑफ अस आर कामयाब। सबसे नाकाम तरीन मैं क्यों? मैं डॉक्टर नहीं था, मुझे ये मालूम है मैं मेंटली डॉक्टर था ही नहीं, मैं मेंटली बिजनेस मैन था। तो वो मुझे कहते थे कि गलत जगह आ गया, मैं कह आई एम एंजॉइंग डाओ यार छोड़। ये बोलने के लिए भी आपको गट्स चाहिए ना, तो गट्स हैं मेरे में बोलने के। तो दो टिप्स ये होगी तुम्हारी। थर्ड टिप, तुम्हें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा तुम जब वंस यू ओपन योर माउथ यू टेल द वर्ल्ड हु यू आर। ठीक है, तुम दुनिया को बता देते कि तुम कौन हो। जैसे तुम्हारा मुँह खुलेगा, पढ़े लिखे इंसान हो पढ़े लिखे इंसान नहीं हो, तुम्हारा जर्फ क्या है। मैं किसी कम जर्फ से बिजनेस नहीं कर सकता, और मेरे जितने पार्टनर्स हैं बिजनेस में सारा आला तरीन जर्फ के लोग। मैं पैसा एक काम करना है, हमने कारोबार करना है, उस कारोबार को करने के लिए हमें 10 करोड़ रुपये चाहिए। तो 10 करोड़ की तो मैं अभी आवाज़ लगाऊँ तो आ जाएगा, लेकिन जिसका जर्फ अच्छा है सिर्फ आप उसके साथ कारोबार कर सकते हो। ये आपकी पार्टनर की डेफिनेशन है। और मैं मेरे नज़दीक अगर आपने किसी का जर्फ चेक करना है तो आप, यानी जब मुझे कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ इन द 90s, जिन लोग मैंने बहुत सारे लोगों का पैसा देना, दुनिया मेरे नज़दीक दो में डिवाइडेड थी। एक वो जिनका मैंने पैसा देना और वो तमीज़ के लोग हैं और उन्होंने मुझसे कभी बदतमीज़ी नहीं की। एक वो लोग जो जिनका मैंने पैसा देना था इंतहाई बदतमीज़ लोग थे, जिन्होंने किसी की इज्जत का ख्याल नहीं किया, ना मेरी ना किसी और की। जिन्होंने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया उनकी मैंने टांगें तोड़ दी। मैं वो वाला आदमी नहीं था जिसके साथ आप पंगा करेंगे तो आप बच के निकल जाएंगे। मैंने आपका पैसा देना है, बात ख़त्म। मेरे पास आज की तारीख में नहीं है, जिस दिन होगा उस दिन दे दूँगा, खाऊंगा नहीं पैसा आपका, खा के मैं कहीं जाऊंगा नहीं। ये मुझे, क्योंकि आपका पैसा मुझ पे हराम है। तो जब तुम्हारी तरबियत हुई होगी ये सुनने के लिए, तब तुम्हें मेरी बात पे यकीन आएगा ना। उसको मैं ज़र्फ कहता हूँ। दूसरे वो लोग थे जिनके मैंने पैसे देने से मेरे सामने ज़िंदगी में कभी उन्होंने चू नहीं की। मेरे घर में इतने मुलाजिम थे, मैंने उनको एक जगह से उधार लेके सबको सऊदी अरब भिजवा दिया। एक तो मैं वैसे ही डूबा हुआ था, ऊपर से मैंने एक उधार पकड़ के, ये मैं तुम्हें 90s की बात बता रहा हूँ, 25 लाख का बिल था। सबको मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे बड़ा सर्व किया, तुम लोग जाओ जो मुझे ज़रूरत होगी, मेरे पास पैसे आएंगे मैं बुला लूँगा। सारे के सारे अगली फ्लाइट से वापस आ गए। तो मैं कहा तो हम आपको छोड़ नहीं सकते। मैं कहा तुम लोगों को मेरा पैसा डुबोने के बाद क्या रहा है। फिर जब मुझे अल्लाह ने दिया, मैं सबको एक एक घर बना कर, किसी ने मुझसे तनख्वाह ही नहीं मांगी ना। उनके अपने घरों में कितने मसाइल चल रहे थे, मुझ तक तो उन्होंने पहुँचने ही नहीं दिया। तो वो फिर इसके बाद वो डिज़र्व नहीं करते थे कि मैं उनके लिए कुछ करता। मैंने किया, सबको घर दिए। मैंने कहा ये तुम लोग मेरी तरफ से सारी ज़िंदगी तुम्हारे, ये मतलब मैं तुम लोगों का एहसान मंद हूँ कि तुम लोगों ने इतनी खिदमत की है हमारी, कि मैं हूँ, मतलब हमारे ड्राइवर्स थे, गार्ड्स थे, कुक्स थे, ये जितने भी लोग थे। तो मेरे माँ बाप ने मुझे आला ज़र्फ़ी की ट्रेनिंग दे के, मेरी माँ इतनी आला ज़र्फ़ औरत थी, वो इकलौती औरत है दुनिया में जिसने कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं की।
जो थप्पड़ शप्पड़ पड़े मुझे ही पड़े।